मानना है कि ये गलतफहमी हुई थी कि सील होने के बाद, क्योंकि हमारी इंतज़ामिया से 20 दिन पहले 25 दिन पहले बात हुई, हम लोग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब के पास भी गए थे, जिन्होंने हमें लिख के दिया हुआ है कि ये प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये उनका लिखा हुआ मेरे पास है। और उसके बाद फिर हम डिविजनल इंतज़ामिया के पास भी गए, लेकिन उन लोगों को किसने क्या कैसे बात कही थी, कोई प्राइवेट आदमी कोई आया हुआ था तो उसने उनसे कहा था कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और मेरी प्रॉपर्टी पे ये बैठे हुए हैं। हालांकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में लिख के देती है कि हम 1972 से इसका किराया ले रहे हैं, इस वक्त तक हमने इसका किराया लिया हुआ है, वही हमने डिविजनल इंतज़ामिया से भी कहा था। और उसके बाद जब हमने अपनी बात रखी, सील होने के बाद जब हमने अपनी बात उनके पास रखी, तो तब उन्होंने कहा कि हाँ ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, हम श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को गवर्नमेंट समझते हैं और वो गवर्नमेंट है हमारे लिए, तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और हम किरायादार वहाँ पे हैं, बस हमारा सिर्फ यही कहना था। और आज हम इसीलिए यहाँ पे आए थे कि आप लोगों को कहने के लिए थी, ये गलत फहमी थी, बाकी हमारा कुछ भी नहीं, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं कहना है कि हाँ मेरी, उसके बाद जो मैंने अभी भी इससे पहले भी बात करी है कि हमारी यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे हमारी मोदबाना गुजारिश है कि अगर छोटे दुकानदारों को, आपके खुद के अल्फाज हैं कि हम छोटे दुकानदारों या 5 मरला 10 मरला और 15 मरला के जिनके पास ज़मीनें हैं, हुकूमत की सरकार की ज़मीनें हैं, उनके साथ हम नहीं छेड़ेंगे, तो हम सिर्फ याद दहानी के लिए आ जाए हैं कि आप उस पर अमल करें, क्योंकि हमारा जो कारोबार है काफ़ी देर से, काफ़ी सालों से ख़राब हो चुका है और हम आज परेशानियों में मुब्तला हैं, तो हमें फिर किसी एक और परेशानी में न डाला जाए, क्योंकि हमारा जो कारोबार है, नफ़ा नुकसान का मसला है, वो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। तो आज हम शायद इस पर भी सोच रहे हैं कि हम कारोबार चला सकते हैं या नहीं चला सकते, ऐसे हालात हैं। तो वही हमारी गुजारिश है यहाँ की इंतज़ामिया से कि इस मसले को एक ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन हार्ट से देखा जाए और इस मसले को बजाज खुद, क्योंकि एक परेशानी की एक लहर सारी वादी में इस वक्त है और बेरोज़गारी का खतरा लग रहा हमें, तो इन मसलों को हुकूमत ठीक कर सकती है, हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि हम उनसे बात करें और हम उनको कहें। नहीं, मुझे लगता है गलतफहमी है। देखें, गलतफहमी इंसान से हो सकती है, ये अल्लाह के सिवा कोई भी इंसान होए, आज आपके पास एक सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है वो भी फेल हो जाता है, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों का सिस्टम फेल हो जाता है, तो ये तो ह्यूमन बीइंग है, इनसे भी गलतियां हो सकती हैं। मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने जो देखा है वो अगर ऐसा नहीं होता, कुछ और होता, तो फिर हमारी दुकानें डिसील नहीं होती। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि फेलियर है, वो नहीं इस चीज़ को देख पाए कि वाकई में इनके पास कागजात हैं या नहीं हैं, तो जब उन्होंने देखा तो उसके बाद उन्होंने खुद डिसील किया, ये सरकार ने ही किया, तो हम इसमें और कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि कुछ और चीज़ था, सिर्फ मुझे लगता है गलतफहमी थी और उनको नहीं पता था कि ये सरकार की दुकानें हैं और सरकार ने किराए पे दी।